नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं को समन भेजा है। इन नेताओं में अंजन कुमार, मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और कली अनिल शामिल हैं। ईडी ने मंगलवार को सुबह दिल्ली में इन नेताओं को पेश होने के लिए कहा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जब राहुल और सोनिया गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे तब इन नेताओं ने इसमें डोनेशन दी थी, जिसकी डिटेल के लिए ईडी ने इन नेताओं को समन किया है। कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में पूछताछ के लिए इससे पहले ईडी ने रविवार 2 अक्टूबर को कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी तलब किया था। ईडी ने उन्हें 7 अक्टूबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। ये समन ऐसे समय पर आया है जब राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा के इस चरण के संचालन में शामिल है। यात्रा ने 30 सितम्बर को कर्नाटक में प्रवेश किया है। ईडी ने अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई कांग्रेस नेताओं को भी हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिक है। अगस्त के महीने में यंग इंडियन के ऑफिस को सील करने के साथ साथ ईडी ने एक दर्जन स्थानों पर छापे मारे थे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से ईडी पूछताछ कर चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले को लेकर कई दिनों तक पूछताछ की गई थी। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार भी किया था।